हाय एवरीवन वेलकम टू अन अकेडमी मैं हूँ आपकी पेपर टू एजुकेशन फैकल्टी ज्योति कुंडू एंड एज़ यू कैन सी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम दी एन टी ए यू जी सी नेट साइट आपको यहाँ पर मिल जाएगी जहाँ पर पब्लिक नोटिस जारी किया गया है आज यानी कि सात जून को और आपको ये बता दिया गया है कि आपकी सिटी कौन सी होगी सो बेसिकली आप जाकर चेक कर सकते हो कि आपका एग्जामिनेशन कौन सी सिटी में है जाओगे यूजीसी तो की साइट पर जाओगे यूजीसी yes. नेट वहां आपको लेटेस्ट ये पब्लिक नोटिस मिल जाएगा रिगार्डिंग एडवांस इंटीमेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी टू दी एप्लीके ऑफ यूजीसी ने इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये नोटिस आपको यहाँ पर मिल जाएगा और वहां पर फिर आपको बताया गया है जिस भी कैटेगरी के लिए आपने फिल किया था अब आपकी सिटी कौन सी है ये आप पता लगा सकते हो सो so, बेसिकली आपको करना क्या होगा यहाँ पर एक बारी पूरा नोटिस देख लेते हैं जिन स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं है तो आप एक बार इसे अच्छे से समझिए NTA has been बीन by the UGC with the task of conducting UGC NET. NTA टी ए आपका एग्जामिनेशन करवाता है अट्ठारह जून को हमारा एग्जामिनेशन है एट्टी थ्री सब्जेक्ट्स में ये एग्जामिनेशन होगा ओ एम आर बेस्ड है पेन एंड पेपर मोड रहेगा आपका एग्जामिनेशन का सो so आप अपनी एग्जामिनेशन सिटी चेक कर सकते हो देखो ये एडमिट कार्ड नहीं है ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है सिर्फ आप सिटी चेक कर सकते हो कि कौन सी सिटी में आपका एग्जामिनेशन फिक्स हुआ है सो येस यहाँ पर आप लोगों को अपनी एग्जामिनेशन सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए अपनी एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है जैसे ही आप इसे फिल करोगे आपको पता चल जाएगा इंटीमेशन सिटी एग्जामिनेशन सिटी आपकी कौन सी है वो आपको दिख जाएगी कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट दी एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन में वैसे आपका सिटी इंटीमेशन का काम नहीं होता ये अभी के लिए आपकी जानकारी है एक कंफर्मेशन कि हाँ आपका एग्जामिनेशन इस शहर में है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का दूसरे शहर में एग्जामिनेशन पड़ता है तो ऑफकोर्स उन्हें थोड़ा सा ट्रैवलिंग का सोचना पड़ता है कि कैसे वो इधर से उधर जा पाएंगे तो इसीलिए ही पहले सिटी की जानकारी दे दी जाती है एडमिट कार्ड आपका बाद में आएगा थोड़े से दिनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा सो so ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है एडमिट कार्ड बाद में इश्यू होगा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है एग्जामिनेशन सिटी इंटीमेशन उनकी डाउनलोड नहीं हो पा रही है तो उसके लिए भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है ईमेल भी दिया है जहाँ पर आप विजिट कर सकते हो तो एक बार फिर से यहाँ पर देखो आपको यस yes, ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहा है यूजीसी नेट जून 2024 क्लिक हेयर टू सिटी इंटीमेशन तो सिटी इंटीमेशन जानने के लिए आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी सबमिट करोगे आपको आपका सिटी का पता चल जाएगा कि किस सिटी में आपका एग्जामिनेशन है तो एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स 18 जून को आप सबका एग्जामिनेशन है बहुत सारे स्टूडेंट्स इनफैक्ट मेरे एजुकेशन के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा लास्ट तक आते आते दैट सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन की मैम हमें समझ नहीं आ पा रहा है काफी कुछ पढ़ लिया है बट अब वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही हैं सो so, ऐसे बीच बीच में आपके नोटिफिकेशन एंड ऑल ये सब कुछ आती रहेगी आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी आपको पी क्यूज भी करने हैं आपको अपना गोल भी क्लियर करना है बट मेक श्योर कि आप यहाँ पर सबसे पहले प्रेफरेंस खुद को दे रहे हो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी हेल्थ और आपका माइंड दोनों साउंड रहे टिल दी एग्जामिनेशन और उसके लिए आपको ये इंश्योर करना है कि जितना कुछ भी आपने पढ़ा है अब आप उसे थोड़ा ऑर्गेनाइज करना शुरू करो सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि अच्छा ये मेरा कंटेंट हो चुका है हम नहीं कर पा रहे हैं तो अब क्या होगा जी तो ये आपका कंपेरिजन आपका बेंच ही ठीक नहीं है सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि दिस पार्ट हैव डन ये मैंने नहीं किया है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो आपके भगवान भरोसे हैं ऊपर वाले के भरोसे हैं अब आप वहां पर उसके लिए आप टेंशन नहीं लोगे और खुद को ना ही कंपेयर करोगे विद एनी अदर पर्सन सेकेंडली आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये आपका गोल है अफकोर्स पेरेंट्स को फ्रेंड्स को रिलेटिव को यहाँ पर एक्सपेक्टेशन होने लगती है वो तो आपको बोलने लगते हैं कि हाँ आप तो एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा हमारा बेटा हमारा बेटी इतनी पढ़ रही है इतनी मेहनत कर रही है बट आप उनकी एक्सपेक्टेशंस के लिए नहीं ये चीज कर रहे हो आप खुद के लिए कर रहे हो वो आपका गोल है आपका सपना है आप आपका एम है जो आपको अचीव करना है सो तो खुद को अच्छे से रखने के लिए दूसरों की एक्सपेक्टेशन के भरोसे परफॉर्म करना बंद करो एक्ट करना बंद करो वो एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ आपको ओवरबर्डन करेंगे और आपकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं और नीचे चली जाएगी थर्डली एक चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एग्जामिनेशन जब पास आने लगता है तो आपका रिविजन कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है सो so, रिविजन के लिए आपको पूरे दिन में आप पी वाई करो मॉक टेस्ट लगाओ जो भी करना है करो बट एक थोड़ा सा रिकेप आपको लेना ज़रूरी है कि अच्छा मैं ये चीज़ मैंने पढ़ी थी ये मैं एक बारी क्विकली रिवाइज कर लेता हूँ डे वाइज अब एलोकेट कर लो अब थोड़ा सा ही टाइम आप लोगों के पास रहता है एक दिन में दो दो यूनिट्स आपको रिवाइज करने होंगे पेपर वन पेपर टू के ऐसे कंबाइन करके पेपर वन को आपको छोड़ना नहीं है फोर्थली कि आप वहाँ पर किसी ना किसी यूनिट को छोड़ दो या फिर पेपर वन को हल्के में लो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पेपर वन ही आपकी जो जीत है या फिर मंजिल की तरफ जो आपके स्टेप्स हैं उन्हें कंसोलिडेट करता है तो आपको ये इंश्योर करना है कि पेपर वन भी आप साथ, साथ उतनी ही अच्छी तैयारी से और रिविज़न आप उसका कर रहे हो एंड लास्टली यू हैव टू कीप योर सेल्फ काम और काम रखने के लिए शांत रखने के लिए आपको ये कोशिश करनी है कि एग्ज़ामिनेशन जब आप देने जाओ जब आप उस हॉल में बैठ जाओ एग्ज़ामिनेशन सेंटर में तो आपकी प्रीवियस प्रिपरेशन आपके जो फेलियर्स रहे हैं या फिर जो एक्सपेक्टेशंस हैं या फिर और भी जो आप लोगों के एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो आप वहीं पर ही छोड़ दो एग्जामिनेशन जब आप कर रहे हो तो वो तीन घंटे सिर्फ आपके और आपके पेपर के हैं तो पूरा ध्यान आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर पर लगाना है जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उन्हें करो नहीं हो रहे हैं उन्हें आप बाद में ट्राई कर सकते हो आपके पास तीन घंटे प्लेंटी ऑफ टाइम है ठीक है सो so, आपको ये इंश्योर करना है कि आप क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़कर चाहे इजी लगे चाहे डिफिकल्ट लगे पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो ये एक बेसिक नेसेसिटी होती है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स फुलफिल नहीं करते क्वेश्चन पढ़ने का ये जो टाइम है स्टूडेंट्स नहीं देते हैं सो so, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से और फिर उसके बाद भले आपको लगता हो कि मेरे को आता है या ना आता है उसे पढ़ना है आपको अच्छे से और फिर अटेम्प्ट करना है एंड देन बाकी जैसी प्रिपरेशन है और जिस हिसाब से आ, आपका एग्जामिनेशन जाएगा आपको अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट मिल जाएगा ऑल राइट सो येस दीज आर सम ऑफ दी टिप्स और अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये कुछ चीजें मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी एंड आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाए ऑल द बेस्ट एवरी वन सिटी इंटीमेशन यहाँ पर है सो मेक श्योर कि आज आप अपनी सिटी देख लो और ऐसे ही धीरे धीरे फिर आपकी एडमिट कार्ड की भी नोटिफिकेशन आएगी एंड बाकी मॉक टेस्ट के लिए अन अकेडमी पर मॉक टेस्ट चल रहा है एग्जामिनेशन से पहले पांच बार आप लोगों का एग्जाम फर्स्ट ऑफ जून से वो चीज लाइव हो चुकी है जहाँ पर आप अपना एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट दे सकते हो पेपर वन पेपर टू का और प्रॉपर आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा आपकी परफॉर्मेंस भी दिखेगी वहाँ पर कि कैसी परफॉर्मेंस रही है पांचों के पांचों मॉक टेस्ट में सो फर्स्ट ऑफ जून से शुरू हो चुका है बट इसका ये मतलब नहीं है कि अभी तक आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो पहले के एग्जामिनेशन आप वो भी कर सकते हो सो so, जरूर करो फ्री टेस्ट है फॉर ईच एंड एवरी ऑफ यू सो थैंक यू सो मच एवरी बाय टेक केयर